दोस्तों, हम आज कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो अपने बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो उसमें से हम लोग अगर कुछ पॉइंट्स उठा ले और उसके ऊपर काम करें तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि जो एमडीआरटी की पॉलिसी जो है वो हमेशा, एमडीआरटी जो हम लोग करते हैं वो बड़े बड़े पॉलिसी से होती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोग गाँव में, रूरल में भी काम करके छोटे छोटे पॉलिसी से भी हम लोग एमडीआरटी डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये अपने माइंड का जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी अंदर कि भाई बड़े पॉलिसी से एमडीआरटी कर सकता हो और हो सकता हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। गांव में, शहर में, कहाँ पे भी हो, आप छोटे छोटे पॉलिसीज ले लो। उसके लिए आपको जरूरी है कि आपका प्रोस्पेक्ट का डेटा बैंक खड़ा करने के लिए, क्योंकि अगर स्मॉल पॉलिसीज के ऊपर अगर काम करना है तो आपको क्वांटिटी ज्यादा लगने वाली है ना। अगर अमाउंट्स के ऊपर काम करना है तो आपको वहां पे क्वांटिटी कम लगेगी। तो आप स्मॉल टाउन से अगर बिलोंग करते हो तो आपका डेटाबेस हमें बहुत ज्यादा खड़ा करने की जरूरत है, सो दैट आप स्मॉल पॉलिसी से भी आप एमडीआरटी कर सकते हो। सेकंड पॉइंट दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग के लिए जरूरी है, अगर आपके पास प्रीमियम पॉइंट अगर आप लेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दैट क्या हो जाएगा, जो अननोन प्रोस्पेक्ट रहेंगे, अननोन कस्टमर रहेंगे, अननोन क्लाइंट्स रहेंगे, तो उसके ऊपर आपका डेटा यानी उनका डेटा आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आप उनको अप्रोच कर सकते हो और आपका क्लाइंट बना के आप अपना बिजनेस डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो। हमेशा प्रोस्पेक्ट डेटा में खड़ा करने के लिए डेली बेसिस पे 3 से 5 लोग के नाम अगर आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस मिलेगी आपको। और जैसे अननोन प्रोस्पेक्ट से या फिर क्लाइंट से अगर डेटा मिलने के बाद में आप हमेशा अप्रोच करें पहले कि उनको क्वालिटी ऑफ सर्विस दे। अगर आप क्वालिटी ऑफ सर्विस देंगे तो डेफिनेटली आप स्टार्ट करें, भले छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट करो, एक बार उसको क्लाइंट बना लो, रिलेशनशिप बॉन्डिंग कर लो उसके साथ में, देन यू कैन पिच फॉर हायर अमाउंट और हायर। उसके जो भी फैक्ट्स आप चेक करके उसके बाद में उसके कितना पोटेंशियल गैप एनालिसिस करके आप उसको बड़ी पॉलिसी के लिए आप ट्राई कर सकते हो। बट लेकिन ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल पॉलिसी, सो दैट क्या हो जाएगा, वो इजीली कन्विंस भी हो जाएगा, आपका क्लाइंट भी बन जाएगा। एक बार वो आपका क्लाइंट बनने के बाद में, जुड़ने के बाद में, आप हायर अमाउंट के लिए उसको बोल सकते हो। तो मैं हमेशा बात करूंगा कि जैसे अगर कोई भी मूवी अगर रिलीज होने से पहले हमेशा क्या होता है ना, उसका ट्रेलर लॉन्च होता है। तो ट्रेलर लॉन्च होता है तो हम लोग देखते हैं, अरे वाह क्या बढ़िया है, तो इसका मूवी तो देखना ही पड़ेगा। तो उसी बेसिस पे हमें ये भी देखना है कि अगर क्या हम अपना वीडियो लॉन्च कर सकते हैं, तो वीडियो लॉन्च करेंगे तो एक पहली बेसिकली आप 5 मिनट्स का वीडियो लॉन्च कीजिए अपना, सो दैट वो क्लाइंट आपको बुलाना चाहिए कि अरे यार ये बंदे को पास बहुत नॉलेज है, उसको बहुत पता है, इसको बुलाना चाहिए घर पे मीटिंग करने के लिए। तो वो खुद आपको फोन करेगा कि सर आपके पास टाइम है क्या, प्लीज आ जाइए। वो कैसे पता चलेगा, आपका वीडियो शूट करके आप अपना कंटेंट डाल के आप मार्केट में फैला दो उसको सोशल मीडिया से, सो दैट वो आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो अननोन आदमी भी रहेगा आपके, आपके दुकान में भी आएगा, आपके शॉप में भी आएगा, आपके ऑफिस में भी आएगा, सो दैट उसको पता रहेगा, अरे ये बंदे का तो वीडियो मैंने देखा है ऑनलाइन, है ना। क्योंकि जैसे हम लोग फिल्में जानते हैं तो फिल्म में हम हीरो के नाम सब जानते हैं, अरे इसकी फिल्म आ रही है, उसी हिसाब से अगर आपका वीडियो वायरल हो जाता है ना, सो दैट वो क्या हो जाएगा, अरे मैं इनको जानता हूँ, चलो चलो इनको सब पता है वगैरह वगैरह। तो वो बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है और आपकी प्रोस्पेक्टिंग जो है वो ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाएगी। अपने बिजनेस में ना दोस्तों, हमेशा हमें कंसिस्टेंट रहने की बहुत ज्यादा जरूरी है और क्लाइंट से कनेक्ट रहने की ज्यादा जरूरी है। ये दो चीजें के ऊपर आप हमेशा काम करेंगे तो आपको प्रोस्पेक्ट जो है वो कभी कम नहीं गिरने वाला। उसके बाद में दोस्तों, हमेशा क्लाइंट के साथ में ना इंश्योरेंस की बात मत करो, उसको कुछ नए नए चेंजेस आते हैं, अपडेट आते हैं, न्यूज आते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें देखना है कि ये कैसे हम लोग उसको बता सकते हैं, तो वो भी बात करनी है दोस्तों। हमेशा बात करें कि सेल्स जो है ना वो हमेशा एक टेम्पररी रहेगी, आपकी एडवाइस जो है ना वो हमेशा परमानेंट रहने वाली है, तो उसके ऊपर भी हमें काम करना है। एक आइडिया के ऊपर हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी आइडिया अगर आपको मिलती है तो उसको इम्प्लीमेंट करो, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। भले 10 दिन 15 दिन रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन महीने 2 महीने में डेफिनेटली आ जाएगा। हमेशा बिजनेस करते समय क्लाइंट को पर्सपेक्टिव हमेशा याद रखना है। अपना पॉलिसी के लिए कितना कमीशन मिलता है वो छोड़ दो, उसके लिए, उसके फैमिली के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आप हमेशा देते हो। आप प्रोफेशनल एडवाइस देना सीखो दोस्तों, तो क्लाइंट का बेस जो है वो हमेशा आपको मिलेगा। सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा रहना है हम लोग को, सो दैट वो आपके बिजनेस के लिए काम आ जाएगा। हमेशा सोचो कि एक नीड या फिर डिजायर का प्लांट उसके घर में आप कैसे भी बोल सकते हो, वो हमेशा ध्यान रखना है कि एक बार आपने उसका पेड़ अगर वो घर में लगा दिया तो ऑटोमेटिकली सेल्स जो है वो आपका हो ही जाएगा। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि क्रॉस सेलिंग कैसे कर पाए, कैसे मैं दूसरा कुछ सा प्रोडक्ट दे सकता हूँ क्या, वो हमेशा हमें देखना है। कि हमेशा इंश्योरेंस की बात मत करो, जो भी दूसरा कुछ रहेगा उसके जो बिजनेस रहेगा, प्रोफेशन रहेगा, सर्विस रहेगा, उसके जो इश्यूज रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो सॉल्व करने की कोशिश करो। भले आप कर सकते हो नहीं कर सकते, बट लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर दिखा दो, सर मुझे पता है क्या कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली करूंगा। तो एक बॉन्डिंग आप क्रिएट करो, आपका बिजनेस जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।
BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।